का समय है। मुझे फ्रॉस्टिंग के साथ डोनट चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, दादी तुम्हारे लिए सब कुछ पकाएगी। हाँ, यह मुश्किल नहीं है। वाह दादी, आपने इतनी जल्दी डो तैयार भी कर लिया। अनुभव उनके पास आता है जो वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं। और मैंने न केवल डो तैयार कर लिया है, बल्कि मैं स्वादिष्ट गुलाबी डोनट तलने के लिए भी तैयार हूँ। और तलने के लिए मैं और तेल लूँगी, तो डोनट अंदर से जूसी और बाहर से क्रंची निकलेगा। क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ? इसमें क्या मुश्किल है, बस एक मोड़ लेते हैं और इसे डो को काटते हैं, बस इतना ही। ओह बच्चे, तुम सावधान रहो, तुम दादी को डरा रही हो। दादी मुझे भी तेल लेना होगा, है ना? मुझे याद है, मुझे और डालना होगा। और चूंकि मैंने बहुत सारा तेल डाला, तो मुझे स्टोव भी तेज करना होगा। मैं लजीज डोनट बनाऊंगी। चलो तलती हूँ। ये क्या हो रहा है? बचाओ, मेरी मदद करो। ओह कितना धुआं। खाना पकाना बच्चों का खेल नहीं है। मैं लगभग 12 साल की हूँ और मैं इस धुएं को संभाल सकती हूँ। यहाँ ये ले लो। और यह, ओह ठीक है, हमें स्टोव बंद करना होगा। ओह लगता है सब ठीक है, लेकिन मेरे डोनट्स अब क्या हो गए हैं? यह अच्छा नहीं है, हमें उन्हें फेंकना होगा। ओह जैन, तुमने दादी को कितना डरा दिया। इसमें क्या मुश्किल है, मुझे समझ नहीं आया। मेरे पास अब सब कुछ तैयार है। डोनट स्वादिष्ट दिख रहे हैं। फिलिंग के रूप में मैं स्ट्रॉबेरी सॉस डालूंगी। और अब हमें डोनट को आइसिंग में डुबाना होगा। मैंने इसे पहले से ही गुलाबी फूड कलर डालकर तैयार किया है। अब बस इसे स्प्रिंकल से सजाना है। और वोइला, ये सर्व करने के लिए तैयार है। हाँ ये अच्छा निकला, लेकिन किसने कहा कि दादी बेस्वाद डोनट बनाएगी? मैं अच्छे डोनट्स का रहस्य जानती हूँ, और वह है ऊपर से पाउडर चीनी डालना। सरल और स्वादिष्ट। और मुझे क्या करना चाहिए? और अधिक सामान भी नहीं बचे हैं इस चीज को छोड़कर। लगता है कि मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया आया है। चीज भी डो की तरह लचीली है, तो मैं इससे चीज डोनट्स बनाने जा रही हूँ। और फिर मैं उन्हें चिप्स के क्रम्स के साथ सजाऊंगी इस तरह से। हाँ चलो, ये चिप्स तुम ले लो। ओ ये क्या हो रहा है, क्या भूकंप आया है? नहीं, क्या आपकी पोती गड़बड़ कर रही है? शांत हो जाओ। और मैं गड़बड़ नहीं कर रही हूँ, मैं बेबी ग्लोरिया के लिए खाना बना रही हूँ। खैर, यहाँ मेरा स्प्रिंकल तैयार है, मैं इसमें डोनट रोल कर सकती हूँ। ये बहुत अच्छा तैयार होगा, लेकिन कुछ कमी है। मुझे पता है, डोनट को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें इसे अच्छे से फ्राई करना होगा। और यह वहाँ बेहतर है स्टोव पर बिना फ्राइंग पैन के, क्योंकि यह इस तरह से अधिक मजेदार है। ओह जेन, तुम कितना तामझाम कर रही हो, हमारे पास सब तैयार है। तो पहले दौर में कौन सी डिश जीतेगी? शायद दादी के हाथों से घर का बना डोनट्स, या शेफ के फ्रॉस्टिंग डोनट्स, या शायद बहन जेन की चीज ट्रीट्स। वाह मेरी आंखें रुक ही नहीं रही है। वाह क्या सुंदर गुलाबी डोनट्स है, और कितना स्वादिष्ट है, और इसमें मेरी फेवरेट स्ट्रॉबेरी फिलिंग भी है। ये तो सामान्य दिख रहा है, और स्वाद यह भी सामान्य है, मैं प्रभावित नहीं हूँ। वाह कितना दिलचस्प डोनट है, मुझे इसे खाना है। यह चीज है, ये मेरे मुंह में स्ट्रेच हो रहा है और घुल रहा है, बहुत स्वादिष्ट। लेकिन मुझे कौन सा चुनना चाहिए? चलो हाँ, यह स्ट्रॉबेरी डोनट जीत रहे हैं। हाँ मुझे पता था। और अब मैं सैलेड खाना चाहती हूँ। कौन सा सैलेड? यह सीजर है, सबसे प्रसिद्ध सैलेड। मैं काट सकती हूँ, मैं अब सब कुछ छोटे टुकड़ों में काटने जा रही हूँ। ओह डियर, ऐसी हरकतें बंद करो बेटा, रसोई में तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, खासकर हाथ में चाकू लेकर। सब्जियों को सावधानी पूर्वक काटने और खूबसूरती से एक प्लेट में सजाने की जरूरत है। और चिकन, नरम रसदार स्वादिष्ट चिकन, इसे भी काट कर सब्जियों में मिलाना होगा। कितना सुंदर, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि अच्छे सैलेड कैसे सर्व की जाती है। और इसके लिए मैं ब्लेंडर में साथ का एक पूरा गुच्छा डालूंगी, फिर इसमें थोड़ा पानी मिलाऊंगी। यह किसी प्रकार का हरा दलिया है? यह दलिया नहीं है जेन, फाइव स्टार रेस्टोरेंट ऐसा करते हैं। इस मिश्रण को जेली बनाने के लिए जल्दी से ठंडा किया जाना चाहिए, और इसे एक प्लेट पर रख देते हैं। हाँ ऐसा मैं ही कर सकती हूँ। वाह यह अच्छा है। और अब सब्जियों को डिश में डाल सकते हैं, और चिकन के टुकड़े काट ले। लेकिन ये इतना ही नहीं है, तेल की एक छोटी बोतल, आखिरकार सुंदरता बारीकियों में निहित है। ओ मेरी डिश कौन खराब कर रहा है? तुम चीज के साथ एक डिश खराब नहीं कर सकते, क्या यह सही नहीं है जी? हाँ दादी। ओ लेकिन मेरे बारे में क्या, मेरे पास सब्जियां काटने का समय नहीं था। जैन क्या तुम फिर से क्यों गड़बड़ कर रही हो? ओ कितना भयानक, ये बचे हुए सामान की पहाड़ की तरह लग रहा है।
ऐसी डिश किसी हाल में प्रतियोगिता नहीं जीतेगी। मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। मैं समझ गई, मैं तुम्हारे लिए सलाद बनाने जा रही हूँ ग्लोरिया, और मुझे कुछ भी काटने की जरूरत नहीं है, छोटे टुकड़ों में तोड़ना काफी है। गमी आखी और मार्शमेलो डालती हूँ, बस हो गया। वो हमारे प्रतियोगियों के पास कितने सुंदर और स्वादिष्ट डिश है, लेकिन क्या ग्लोरिया उन्हें पसंद करेगी? हम अभी पता लगाएंगे। मैं शुरू करूंगी इसके साथ। वाह, हरी चिली के साथ, मजेदार। मैं इसे ट्राई करूंगी। कितना बेकार। नहीं, मुझे ये सैलेड पसंद नहीं है, और यह सैलेड काफी सामान्य दिख रहा है, एकदम सादा स्वाद। स्वाद कुछ खास नहीं। चलो आगे बढ़ती हूँ। वाह, कितना कूल, ये गम जेली सैलेड है। क्या स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन है, मुझे ये पसंद आया। मैं उसे विजेता के रूप में चुनती हूँ। हाँ, मुझे ये पसंद आया। हुर्रे, मैं ये जानती थी। हाई फाइव। ग्लोरिया, जल्दी बताओ, मैं फ्राइड अंडे खाना चाहती हूँ। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। दादी इसे संभाल सकती है, तुम्हारी बहन भी इसे संभाल सकती है। तेल डाला और फ्राइंग पैन को गर्म किया। दादी, मुझे भी यह दे दो। ये नहीं आ रहा है, इतना कम तेल क्यों निकला है? मैं बोतल को जोर से हिलाऊंगी। ओ, मुझे लगता है मैंने इसे तोड़ दिया। जेन और दादी अब खाना बनाना शुरू कर रही है। मैं दो अंडों को तोड़ूंगी इस तरह, और मैं भी इसे तोड़ दूंगी। ओ, ऐसा कैसे? उफ, मैं बहुत गंदी हो गई हूँ। नहीं, मेरी तरह फ्राइड एग कोई नहीं तैयार कर सकता जैसा मैं करूँगी। सबसे पहले मैं क्रीम को गर्म करूँगी। मैं उनमें ऑरेंज जेस्ट और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलाऊंगी। इसकी मदद से डिश सबसे अच्छे रेस्टोरेंट की तरह ही निकलेगी। और अब मैं पीच को काट लूंगी और मॉलिक्यूलर डिश में इस विशेष चीज को भी जोड़ूंगी। यह कलिनरी जादू बनाने का समय है, और मॉलिक्यूलर फ्राइड अंडे भूनना है। इसे पैन में डाला और यह रहा। वाह, मैंने इसे यूट्यूब पर देखा है। जेन, सावधान। ओह, मेरे तले हुए अंडे सब जल गए, कितना भयानक। खैर, अब मैं निश्चित रूप से हारने वाली हूँ। हाँ, लेकिन बेबी ग्लोरिया वैसे भी भूखी नहीं रहेगी। दादी के तले हुए अंडे बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। हाँ जेन, तुम्हारे पास इस दौर में जीतने का कोई मौका नहीं है। और क्या बेबी ग्लोरिया को मॉलिक्यूलर डिश पसंद आएंगे? हम अभी पता लगाएंगे। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। हाँ, बुरा नहीं है। और यह क्या है? मैं इसे नहीं खाऊंगी। यह कितना अलग सा फ्राइड एग है। ओ वाह, यह मीठा है। वाह, बहुत स्वादिष्ट, मुझे ये पसंद है। मैं इसे चुनती हूँ। हाँ, मैं ये जानती थी। दादी, चलो, मुझे सैंडविच खाना है। बिल्कुल मिलेगा, मेरी सैंडविच सबसे अच्छी होगी। तुम इस राउंड को नहीं जीत सकती। एक सैंडविच आसान है, मैं हमेशा न्यूटेला के साथ टोस्ट खाती हूँ, पर इस बार मैं कुछ स्वादिष्ट करूंगी। मैं और टॉपिंग जोड़ूंगी, मेरे फेवरेट मार्शमेलो, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट बार और मीठी और खट्टी गमी कैंडी। ओ, ये कितना स्वादिष्ट दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस सैंडविच में किसी और चीज की कमी है। मीठा जेल और खट्टा फिज कैंडीज, मेरा आइडिया मस्त है, ओरिजिनल। लेकिन मुझे लगता है कि पारंपरिक रेसिपी बेहतर है। मस्टर्ड, हैम, चीज, सलाद के पत्ते, सब कुछ एक साथ। हाँ, और अब सैंडविच को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक भून सकते हैं। नहीं दादी, ब्रेड पहले तली जानी चाहिए और उसके बाद ही फिलिंग डाले। आखिर यह गर्म नहीं होना चाहिए? और सबसे जरूरी सामग्री, यह घोंगे हैं। क्या घोंगे? क्या बदबू है, क्या खुशबू है। इसे पेरिस की तरह खुशबू आ रही है। और अब इसे एक प्लेट पर रख सकते हैं, और मैं आगे सी फूड जोड़ूंगी। भयानक गंध, बढ़िया। और अंत में मैं ब्लू चीज जोड़ूंगी। ओह, दादी की तबीयत खराब हो रही है। ये कलिनरी मास्टरपीस है, अविश्वसनीय। मैंने खुद को मात दी है। मेरे पास भी एक अच्छा सैंडविच होगा। ओह, चॉकलेट पिघल गया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि क्या हो सकता है। हमें एक कटोरी पानी लेने और उसमें बर्फ डालने की जरूरत है। और अब मैं चॉकलेट के साथ पैटर्न ड्रॉ कर सकती हूँ, और यह किसी भी आकार में जम जाएगा। मैंने इस लाइफ हैक को टिकटॉक में देखा है। वाह, मेरी बेटी। खैर, सब कुछ तैयार है। हर प्रतिभागियों से अलग अलग तरह के सैंडविच। ग्लोरिया क्या चुनेगी? दादी का साधारण सैंडविच, बांध द्वारा किया गया एक मीठा चमत्कार,
क्लासिक कलिनरी आर्ट की मास्टरपीस। कितना प्यारा सा दिल है, ये किस तरह का सैंडविच है? बहुत ही असामान्य, इसका कितना अजीब स्वाद है। ये घोंगे, क्या गड़बड़ है, खाना में घोंगे डालने के बारे में किसने सोचा था? ये सैंडविच बहुत सुंदर है, प्यारा चॉकलेट दिल, कितना स्वादिष्ट, मुझे ये मीठा सैंडविच पसंद है। यह सैंडविच साधारण दिख रहा है, चलो चक्कर देखती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है, वह हर किसी से बेहतर है, मैं उसे विजेता के रूप में चुनती हूँ। हाँ, दादी ने इसे पकाया था, मैंने तुम्हारे लिए बनाया। प्लीज मेरे लिए एक बोतल में जेली बनाओ। ओके। क्यों नहीं। यह पहली बार मैंने यह देखा है। बढ़िया, चलो देखिए मेरे पास क्या है, कोला जो हमें चाहिए। देखो मैं कैसे कर सकती हूँ, बस कोला पी लिया थोड़ा सा। सही में ये अच्छा है ना, मुझे कोला बहुत पसंद है। कूल। अरे अब क्या होने वाला है? ओ नहीं नहीं नहीं, ओ, 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 मुझे बचाओ। मुझे खेद है, मुझे खुद भी इसकी उम्मीद नहीं थी। अब स्किटल्स डालने का समय है, मुझे लगता है कि बच्चा वास्तव में इसे पसंद करेगी। वाह, मेरे पास अभी भी मैपल सिरप है, मैं इसे भी इसमें डालूंगी, और मीठा बेहतर। अब हम ढक्कन बंद कर देते हैं और बोतल को हिलाते हैं। हाँ, और उफ, यह ढक्कन जस्ट अटक गया है सिरप की वजह से। मदद करो, उफ खुल जाओ। ओ नहीं, मैं ठीक हूँ, ठीक है, पर लेकिन ये अभी भी चिपका हुआ। अरे नहीं, यह ठीक है, मेरा हाथ आजाद हो गया। ओह बेचारा मैनिक्योर। कुछ नहीं, मुख्य बात बच्चे को खिलाना है। मैं फ्रीजिंग स्प्रे के साथ कोला से जेली बनाऊंगी, चलो देखते हैं। हाँ बिल्कुल सही। ओह दादी क्या तुम सो गई? हम एक चुनौती में हैं। देखो मैं क्या अच्छा आइडिया लेकर आई हूँ। मेरी राय में यह बहुत ज्यादा है। जैम या शहद लेना आसान है, मैं शहद लूंगी। बेबी मैं पहले से ही तुम्हारे पास आ रही हूँ, चलो। ओह मैं इस प्यारी को फ्रीज कर दूंगी और बस। केवल शहद? चलो देखो मैं क्या करती हूँ, मैं कोला लेती हूँ और देखो मैं क्या करती हूँ। शेफ भी ट्रिक्स करना जानता है। और मैं एक फ्राइंग पैन में कोला डालूंगी और गमी बेयर भी इसमें डालूंगी। और जेली बनाने के लिए हमें इसमें जेलेटिन चाहिए, सौभाग्य से मेरे पास हमेशा रहता है। अब इसे केवल मिक्स करने और बोतल में वापस डालना बाकी है। इस तरह से बहुत ही आसान हो जाएगा। जेली लगभग तैयार है। हाँ ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। ओके। हाँ वाह, देखो बोतल में ये कितनी अच्छी तरह से जा रहा है। बोतल भर गई और ये लगभग तैयार है। बहुत बढ़िया, मैं बहुत खुश हूँ। अब बस इसे जमाना है। हाँ चलो देखो, इस तरह से मैं इसे जमाती हूँ। सुपर फ्रीज, बस एक सेकंड और यह तैयार है, एकदम फ्रेश, आसान और धन्यवाद। चलो आप ट्राई करो। ओह ठीक है, मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद, यह अभी तैयार। ओह मेरी हथेलियाँ जम रही हैं। ओ नहीं, यह कितना ठंडा है, क्या करूँ, मैं अपने हाथों को महसूस ही नहीं कर पा रही हूँ। अभी हवा देती हूँ, शायद वे गर्म हो जाए। ओह यह काम किया, भगवान का शुक्र है, दादी ठीक है। बेबी जेली ले लो। वाह एक ही बार में तीन, पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ। ओह कितना प्यारा है, यह तो है, मैं इसे पहले ट्राई करूंगी। ओह थोड़ा हनी, वाह मुझे लगता है ये बहुत स्वादिष्ट होगा। वाह जमा हुआ शहद, ये बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। वाह मेरा फेवरेट कोला, अंदर क्या है, दिलचस्प। मैं इसे खुशी के साथ ट्राई करूंगी। ओह जेली मुश्किल से निकल रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है। चलो मुझे ये बहुत पसंद है, ये बहुत स्वादिष्ट है। हाँ धन्यवाद शेफ। और क्या बचा है? ओह मेरी बहन की जेली। वाह मैं इसमें कैंडी देख रही हूँ। चलो अब इसे ट्राई करती हूँ। वाह ये कितना खूबसूरत है। वाह सुपर, यह सबसे अच्छी जेली है जिसे मैंने कभी खाया है, और निश्चित रूप से बहन जीत रही है। धन्यवाद बहन। ऐसा कैसे,
शाबाश मेरी बच्ची। अगला डिश वफल है। बढ़िया ऑप्शन है। क्या? समझ गई। मैं उन्हें बनाना नहीं जानती। खैर ठीक है। वफल के लिए डो बनाने के लिए आटा, अंडे और बटर लेना होगा। और अब मैं चीनी और इसमें दूध मिला देती हूँ। हाँ यह बढ़िया है। मेरा विस्क कहाँ है? हाँ यहाँ है। अब दादी दिखाएगी अपना कमाल। मैं इसे तेजी से मिक्स करती हूँ। मुझसे आगे निकलने का कोई मौका किसी को नहीं मिलेगा। वाह ठीक है दादी। क्या आपने देखा है कि मैं कैसे कर सकती हूँ? हाँ अब यह देखिए। क्या मिक्सर से मिलाना आसान नहीं है? अपनी ताकत को बचाना और कल्पना दिखाना बेहतर है। मेरे पास पहले से ही एक अच्छा आइडिया है। मुझे लगता है कि बच्चा इसे पसंद करेगा। मैं इसके लिए रंगीन वफल बनाऊंगी। वह डो लाल हो जाएगा और यह पीला, हरा और नीला हो जाएगा। हाँ खैर तुम लोग कुछ भी करो, मैं तो इसमें न्यूटेला डालने वाली हूँ। और जीत मेरी होगी। दादी और शेफ डिशेस के बारे में कुछ भी नहीं समझते हैं। चॉकलेट पेस्ट सभी को पसंद होता है। चलो वॉफल मेकर को खोलो और इसमें बैटर डाल दो और यह तैयार है। एकदम आसान था। ओह बहुत गर्म लेकिन बहुत आसान। और लगता है स्वादिष्ट भी है। चलो इसे खा कर देखते हैं। हाँ मैं बिल्कुल सही थी, यह बहुत अच्छा है। हाँ मैं रुक नहीं सकती। ओह पर यह तुम्हारे लिए नहीं है। ओह हाँ मुझे पता है। चलो मैं दूसरा बना लेती हूँ। अच्छा ठीक है, फिर से मत खा जाना। अच्छा है कि दादी के पास सब कुछ कंट्रोल में है। कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। जीत मेरी होगी। कर लो बात, मेरा वफल बहुत सुंदर है। तुम्हें यह कैसा लग रहा है? तुम दादी को हरा नहीं सकती। चलो फाइट करते हैं। ओह यह वफल तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं रुक नहीं सकती मेरी बहन। मुझे माफ कर दो लेकिन मैं ये पूरा खा जाऊंगी। क्या हम वास्तव में एक चुनौती में हैं? तो क्या हुआ? मैं फिर से बना लूंगी। क्या? ओह क्या मैंने सब बना लिया? अरे नहीं सब खत्म हो गया, मैं क्या करूँ? मेरे पास एक आइडिया है। मेरे बैकपैक में जरूर कुछ होगा। यह तीखे नूडल्स का एक पैकेट। मैं इसे एक वॉफल बनाऊंगी। बस इसे उबलते पानी में डालना है और थोड़ा इंतजार करना होगा। नूडल्स तैयार है, बाकी काम वॉफल करेगा। तब तक मैं एक्स्ट्रा खत्म करती हूँ, ये बहुत स्वादिष्ट होगा। चलो इसे खोला, इसमें नूडल्स डाला और बंद कर दिया। और तब तक मैं इसे और खा लेती हूँ। कितनी भूखर है। मेरा आइडियल वॉफल तैयार है। यह बहुत अच्छा बनना है। मैं इसे दो भागों में काट दूंगी। रेनबो की तरह लगेगा। और मैं क्रीम से बादल बनाऊंगी। वाह मैं उन्हें स्प्रिंकल से सजाऊंगी। यह जीतने के रास्ते पर है। यह वास्तव में बहुत सुंदर बना है। दादी की सफलता का अपना रहस्य है बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी और पाउडर। बच्चा निश्चित रूप से इसे पसंद करेगा, मुझे यकीन है। वाह जरा इसे देखो कितना सुंदर है। दिलचस्प, दादी बहुत अच्छी है पर मुझे भी अपना बेस्ट देना होगा। ऐसे वफल के साथ क्या होगा? मैं इसे चीज स्प्रिंकल के साथ छिड़कूंगी। शायद मैंने बहुत ज्यादा डाल दिया। क्या सब ठीक तो है ना? तुम पूरी धंधी हो गई है, तुम्हें सावधान रहना होगा। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। देखो मेरा चेहरा साफ हो गया और मैं अपने हाथ चाटूंगी। हाँ ये कितना स्वादिष्ट पाउडर है। उफ, क्या तुम्हें चाहिए? नहीं हम ठीक है। शिष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं है। ओह यहाँ बहुत सारी चीज है पर यह क्या है? मैं इसे ट्राई करती हूँ पहले। बिल्कुल अलग सा है। ओह अरे बाप रे यह तो भयानक है, मैं इसे नहीं खाऊंगी। क्या? उफ, वाह रेनबो वफल स्वादिष्ट और ये बहुत खूबसूरत भी है। कूल, मुझे ये पसंद है। यह बहुत स्वादिष्ट है, अद्भुत, धन्यवाद। वाह आइसक्रीम वफल सही कॉम्बिनेशन है।
हाँ, और स्ट्रॉबेरी, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। ओ भगवान, ये कितना स्वादिष्ट है। इसके स्वाद के तो कहने ही क्या। ओ, मुझे और चाहिए। दादी, आप जीत गई। एकदम सही। ये चलो कुछ आसान से शुरू करें। मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना है। आसानी से यह हो जाएगा। मैं सिर्फ खाना बनाना सीखना चाहता था। जब तक हर कोई आलू छील रहा है, मैं कुछ अच्छा पकाऊंगा। वैसे बहुत ज्यादा तेल जैसा कभी कुछ नहीं होता है। खैर, लगभग तेल उबल गया है, जिसका मतलब है कि वहाँ फ्रेंच फ्राइज को तैयार स्लाइसेस डालने का समय हो गया है। नहीं, रुक जाओ। ये छींटे, गरम, बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हम लगभग उबलते तेल से जलने वाले थे। तेल को पूरी सावधानी से डालना चाहिए, फिर आलू को समान रूप से फ्राई करो। इस तरह से डालना चाहिए, देखो। ओके। तारा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फ्रेंच फ्राइज तैयार है। जोड़ने के लिए केवल थोड़ी सी सॉस बची है। हाँ, फ्राइज। मेरी राय में ये एक साधारण तला हुआ आलू है, इसलिए मैंने असली फ्रेंच फ्राइज बनाया। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं साधारण आलू से एक वास्तविक डेलिकेसी बनाने जा रही हूँ। मुझे बेकन, ग्रेवी और जाहिर है मीठे रोजमेरी की आवश्यकता होगी। हाँ, इस तरह से। ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और स्वाद भी अच्छा होगा। ठीक है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। गमी आलू का उपयोग क्यों ना करें? ये कहते हैं कि यदि आप इसे स्ट्रॉबेरी सिरप में डुबोते हैं, यह और भी स्वादिष्ट होगा। आहा, मैं बीच वाले फ्राइज के साथ खाना शुरू करूंगी। दादी, ये बहुत अच्छा है। ओह ची, मैं रोजमेरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे खेद है मैडम शेफ, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आया। लेकिन मैं एक गमी आलू के आइडिया की सराहना करती हूँ। भाई, तुम अच्छा कर रहे हो। ये बहुत स्वादिष्ट है। अब पता नहीं विनर किसे चुनूं। हाँ, दादी इस दौर को जीतती है। इस बार काम ज्यादा मुश्किल है। आपको सुशी पकाने की जरूरत है। यह हो जाएगा। सबसे अच्छा नुस्खे के अनुसार। सुशी, यह क्या होता है? सब अच्छे से नुस्खे के अनुसार होगा। सुशी, यह क्या होता है? हाँ, गांव में कोई नहीं जानता कि सुशी क्या है। ऐसा क्यों है? मैं सुशी बना लूंगी। साधारण सुशी बोरिंग है। सुशी विभिन्न कैंडी से बनाना अलग बात है, और सार क्रीम के बजाय अंदर स्वादिष्ट व्हिप क्रीम होगी। और बेशक हम चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूल सकते। यह बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैं इस गमी आई का भी उपयोग करूंगा। देखो, यह कितना खूबसूरत लग रहा है। और यह चॉकलेट सिरप। दिलचस्प आइडिया। मैं भी बहुत जल्द सूची तैयार करूंगी। मुख्य बात शेफ के बाद बहुत सावधानी से दोहराना है। लेकिन अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो चलो देखें कि आप कितना बुरा सुशी बनाती हो। मैं सॉस जोड़ सकती हूँ। वाह, मैंने कभी एवोकाडो नहीं देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात सब कुछ अच्छे से मोड़ना है, जो आप दादी निश्चित रूप से सफल नहीं होंगी। ताड़ाम, परफेक्ट सुशी लगभग तैयार है। कितना डरावना है। मुझे नहीं लगा था कि मेरी सुशी इतनी बदसूरत होगी। यह सुशी को सैल्मन में लपेटने का समय है। मुख्य बात है मछली मोटा नहीं हो। इसे अच्छे से टुकड़ों में काट ले। और हमें सोया सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए। मछली तुम कहती हो, ठीक है। यह हो जाएगा। मैं डालूंगी इसे। हो गया। मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट निकला। वाह शेफ, जाहिर है तुम्हारी सुशी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस भयानक चीज को अपनी पोती के सामने नहीं रख सकती। हमें कुछ करना होगा। ठीक है, सिर्फ खीरे के साथ सुशी क्यों नहीं बनाते? यह स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों होगा।
मैं इसे अच्छे से स्कूप करूंगी। घिनौना। ऐसा क्यों? खीरा सुशी के लिए अच्छा इंग्रेडिएंट है, मुझे बस इसमें और चावल डालने की जरूरत है। मैं इसे अच्छे से भर देती हूँ और अब इसे अच्छे से स्लाइस में काट लेती हूँ। देखो कितना सुंदर है। यह क्या है? मैंने कभी खीरे और चावल सुशी नहीं देखी है। इसमें मछली भी नहीं है। नहीं, मैं इस सामान को खाना नहीं चाहती, लेकिन मैं खुशी के साथ मीठी सुशी को खा सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। आखिरी डिश बची है और मैं इसे खाकर देखती हूँ। ओह वाह, यह हुई ना बात, असली सुशी। मैडम शेफ, आप जीत गई हैं। हाँ, मुझे यह पता था। मुझे आशा है कि तुम में से सभी एक वॉफल बना सकते हो। मैंने सुना है कि मुझे एक अंडे से शुरू करना होगा। मुझे लगता है कि मुझे उससे कोई समस्या नहीं होगी। या आटा जोड़ने का समय है। अब पैकेट खोला और डालता हूँ। मुझे दांत में खुजली हो रही है। अच्छी। ओह, तुम्हारा वाफल देखने लायक होगा। कोई बात नहीं, यह फ्लोर मेरे लिए एक स्वादिष्ट वाफल बनाने के लिए काफी है। मुझे बस सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। हाँ, यह तैयार हो गया। अब मेरा तैयार बैटर एक वाफल आयरन में डाला जा सकता है। ये मेरी बहन के जीवन में सबसे स्वादिष्ट वाफल होंगे। बैटर बहुत स्वादिष्ट निकला, और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना अंडे के। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा वाफल बना देगा। सभी ने चीनी डाली है, लेकिन मुझे पता है कि चीनी हानिकारक है, तो इसके बजाय मैं एक पूरा पका हुआ कद्दू जोड़ूंगी और मैं इससे बैटर बनाऊंगी। इसे घिस लिया और अब इसमें अंडा मिलाया। हाँ, यह अच्छा है। और अब थोड़ी मैदा और इन सबको अच्छे से मिला देना है, इस तरह से। ओह, ये बहुत खराब लग रहा है। लेकिन ऐसा बैटर तुम्हारी तुलना में बहुत हेल्दी है। अब मैं इसे वॉफल आयरन में डाल सकती हूँ। हाँ, यह ठीक है। अब थोड़ा इंतजार करना है। ओह, ऐसा लगता है कि वॉफल थोड़ा जल गया है। गरम। ओह, यह बहुत गरम लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको अच्छी चीजों के साथ छिपा सकता हूँ। व्हिप क्रीम, बेरीज और चॉकलेट सिरप के साथ। हाँ, अब यह बढ़िया लिख रहा है। और मैं पारंपरिक रूप से अपने वॉफल पर मैपल सिरप डालूंगी और मक्खन का एक टुकड़ा भी, जरूरत से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। और मैं हेल्दी हर्ब्स के साथ अपने पहले से हेल्दी वॉफल को सजाऊंगी। चलो खाते हैं। ओ भाई, तुम्हारा वॉफल बहुत ओवर कुक्ड है, मैं वो नहीं खा पाऊंगी। और इन वॉफल्स का स्वाद घास और कद्दू की तरह क्यों है? मुझे उससे नफरत है। छी। दादी, लेकिन आपने बहुत ही स्वादिष्ट वॉफल्स बनाए हैं। आप इस दौर में जीतती हैं। हुर्रे। अंत में मैं एक स्वादिष्ट कॉफी पीना चाहती हूँ। यह हो जाएगा। मैं एक शानदार आइडिया के साथ आया हूँ। गर्म कॉफी बोरिंग है, आज कोल्ड कॉफी यानी फ्रैपचिनो फैशन में है। मुझे एक बड़े जार में ज्यादा से ज्यादा बर्फ डालना होगा, फिर उससे स्वादिष्ट चॉकलेट सिरप डालूंगा और बेशक
हमें कॉफी को नहीं भूलना चाहिए। मेरे पास यहाँ स्टारबक्स है और ट्विक्स चॉकलेट का एक कॉकटेल निश्चित रूप से इसे स्वादिष्ट बना देगा। मैं इसे अब मिक्स करता हूँ और दूध के बजाय इसी का इस्तेमाल करूँगा। मुझे लगता है कि मैं एक और क्लासिक कॉफी बनाऊंगी। मेरी पोती को यह बहुत पसंद आएगा। ताड़ाम, अंत में व्हिप क्रीम और कुछ चॉकलेट कैंडी मिलाना होगा। ओरियो कुकीज, कैंडी बार, बेशक हमें स्ट्रॉ को नहीं भूलना चाहिए। खैर, अब कॉफी बनाने की बारी मेरी है। मैं असली कॉफी बनाऊंगी। वेंडिंग मशीन की मदद से मैं कॉफी बीन्स की सही क्वांटिटी लूंगी और खुद उसे ग्राइंड करूंगी, जिससे जितनी जरूरत हो उतनी ही कॉफी मुझे मिले। हाँ, अब तक तो सब बढ़िया चल रहा है। अब मैं इसे डालती हूँ और इसके ऊपर से उबलता हुआ पानी डालूंगी। हाँ, अब तक सब बढ़िया चल रहा है। कॉफी के लिए दूध और इसे मैं खुद ही मिलाऊंगी। इसे अच्छे से फेंटना है, इस तरह से। हमें कैसे सर्व करना चाहिए इन नियमों को नहीं भूलना है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। दादी, मैं इस कॉफी को हमेशा पहचानती हूँ और मैं आज यह कहना चाहूंगी कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये पैकेट का है। पहला मग ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, स्वादिष्ट है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा कड़वा। आखिरी मग चखना बाकी है। ये सच्ची में अच्छा है। भाई, तुम इस दौर में जीत गए। ये आखिरकार।